ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। सो लुक एट दिस एक्सरसाइज 3.3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं, यू नो दे वुड बी ईजी, इतने मुश्किल नहीं होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, बिकॉज यू नो आई हैड टू गिव यू पीपल द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्लस अगेन इट इज़ गोइंग टू बी योर वीकेंड, सो आई वॉन्ट यू पीपल टू लर्न योर फार्मूलाज, यू नो जितना अच्छे से इसको लर्न कर सकते हैं इंटीग्रेशन के फार्मूलाज उतने अच्छे से करें, बिकॉज यू नो द लेक्चर ऑन मंडे इट माइट बी लेंथी एंड इट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ भी होगा, तो उसके लिए आपको मैंने थोड़ा सा टाइम दिया दोबारा से वीकेंड में, इसलिए छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इसको जल्दी जल्दी से आज करते हैं, कॉन्सेप्ट जरा देते जाइएगा, ये क्वेश्चंस आज हम करेंगे, दिस यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो दो हैं लॉन्ग के लिए, या इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे मंडे को, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने जो मार्क किए ये हम आज करेंगे, एंड देन इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग you know this question, ठीक है जी। सो बस इतने, बल्कि नहीं, ये क्वेश्चन भी था और ये भी था, तो हम जल्दी से करना शुरू करते हैं, ईजी है, आई होप पीपल आर गेटिंग इट। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, एंड आप अपने जो हमारे कौन से मेथड्स थे भला पुराने, जो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, उनमें से कौन सा वाला रूल यहाँ पे फॉलो होगा, लेट्स चेक इट आउट, बिकॉज यू कैन सी इन द डिनोमिनेटर इट गॉट सम पावर, यानी रेडिकल साइन, रेडिकल साइन की वैल्यू क्या होती है 1/2, पावर है, इट मींस ये आपका रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, है ना। क्यों, क्या कैसे अप्लाई होगा, पहले तो चेक करते हैं क्या इसका कहीं आसपास डेरिवेटिव मौजूद है जो डिनोमिनेटर में चीज़ है, विच इज़ 4 - x², इसकी कोई पावर तो है, वो तो वी कैन सी, लेकिन अंदर फंक्शन की ये इसका डेरिवेटिव क्या होता है, लेट्स चेक इट आउट, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 4 हमें पता है 0, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, ऐसा ही है। सो क्या -2x कहीं मौजूद है, यस है न्यूमिरेटर में, ठीक है। बल्कि इसको हम ऐसा करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर लेते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेट मी सी। हाँ जी, आपका जो क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं हुआ हुआ, वो हुआ हुआ है जो मैंने पेज लगाया हुआ है, वो हुआ हुआ है आपके रूल नंबर 2 से, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा देती हूँ ताकि आपके दोनों मेथड्स प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। लुक एट द डिनोमिनेटर, अच्छा इसकी पावर मैं पहले इसको लिख रही हूँ -2x dx डिवाइडेड बाय 4 - x² रेज टू द पावर 1/2। अब जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है विच इज़ यू कैन सी दिस वन, इसको यू नो 4 - x², इसको मैंने ले लिया लेट करके t, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मुझे नज़र आ रहा है न्यूमिरेटर में प्रेजेंट है। व्हाट एम आई गोना डू नाउ, आई विल बी टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, अब मैंने डिफरेंशियल लिया, 4 का डिफरेंशियल वुड बी 0 माइनस ये एक्स स्क्वायर है, सो इट वुड बिकम 2x और फिर dx, क्योंकि ये डिफरेंशियल है नॉट डेरिवेटिव, और ये dt है तो ये बन जाएगा dt, क्लियर। अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है अपने क्वेश्चन में, जो मेरा क्वेश्चन था लाइक दिस वन, कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पहले तो डिनोमिनेटर को देखें, इस पूरे की जगह जो इनसाइड है उसकी जगह पे वी विल बी रिप्लेसिंग इट विद टी, बिकॉज वी अज्यूम्ड इट एज टी, सो इट वुड बी टी रेज टू द पावर 1/2। नाउ लुक एट द न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर वी हैव -2x dx एंड वट इज़ दिस इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू dt, सो यहाँ पर आ गया मेरे पास dt, क्लियर। अब जैसे एक्स वाला क्वेश्चन होता था बिल्कुल टी वाला सॉल्व होगा, वैसा ही इसको आप ले जाएंगे न्यूमिरेटर में, टी रेज टू द पावर -1/2 आ जाएगा इंटू dt, क्लियर। नाउ आई कैन सी डेरिवेटिव ऑफ टी इज़ 1, तो वो उसके साथ आ गया इक्वल्स टू, अच्छा क्यों मैंने लिखा साथ, क्योंकि अगर साथ डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी पावर में एक ऐड भी होगा रूल नंबर 1 के मुताबिक, और उसी से डिवाइड भी होगा प्लस सी, सो ये क्या आ गया टी रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस सी। नाउ व्हाट एम आई गोना डू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि ये रेज ना करना पड़े, सो इट वुड बी टी रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी, सो इट वुड बिकम 2t⁻⁶ प्लस सी, 2 ऊपर चला गया। अब हम क्या इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, नो, नाउ वी विल बी रिप्लेसिंग दिस टी विद इट्स वैल्यू, इस टी की क्या वैल्यू हमने अज्यूम की थी 4 - x², ठीक है, वो हम इसके अंदर पुट कर लेंगे, सो ये स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन I'll be writing it. So क्या लिया था 2t⁻⁙ प्लस सी, ये आंसर आया था, लेकिन t मैंने लिया क्या, एज्यूम क्या किया था 4 - x², सो आई बी रिप्लेसिंग दिस विद दैट, इट वुड बिकम 2 * 4 - x² होल रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस सी, दिस वुड बी योर आंसर, क्लियर। लेट मी शो यू द सोल्यूशन ओवर हियर, ये है आपका आसान वाला मेथड जो मैं पहले करवा चुकी हूँ रूल नंबर 2, आप उस तरह से कर लें ज़्यादा बेहतर है पहले बेशक, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री। अब ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एक लिहाज से है बहुत आसान, बट क्यों इंपॉर्टेंट है वो आई एम टेलिंग यू, आई एम गोना टेल यू पीपल अबाउट दिस। उससे पहले एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए वेन एवर यू हैव दिस थिंग, मैं एक फॉर्मूला समझाने लगी हूँ। यू ऑल नो, बल्कि इससे पहले मुझे ये बताना चाहिए, यू ऑल नो दैट टेन इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, वी ऑल नो इट इज़ वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर हो गया। अगर ये हो टेन इनवर्स ऑफ एक्स की बजाय डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ, ओके नाउ यू कैन सी व्हाट इफ मैं इसको, यू नो आई जस्ट टोल्ड यू दैट ओके डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज व्हाट, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही कहा ना मैंने। सो इट मींस इंटेग्रल ऑफ दिस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx, जाहिर है इट वुड बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स। वाई, बिकॉज ये एंटी प्रोसेस है। अगर इसका डेरिवेटिव टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये है तो इसका फिर इंटेग्रल ये होगा, क्लियर, ये तो क्लियर है आपको। अच्छा, सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट दिस थिंग, यानी डी एक्स डिवाइडेड बाई, अभी अभी मैंने बताया कि वन प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी ये रिजल्ट आया कहाँ से, इफ़ यू हैव डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन दिस वुड ऑलवेज बी इक्वल टू, यू नो, वन डिवाइडेड बाई ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए। क्या निशानी होगी? देर वुड बी नो रेडिकल, नथिंग ऑन दिस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरी बात, स्क्वेयर्स ऑफ टू टर्म्स बींग एडेड और डिनोमिनेटर में हों, और इसका जब भी इंटेग्रल होगा दिस वुड ऑलवेज बी इक्वल टू दिस। अभी मैं समझाऊंगी इसका क्या मतलब है। नाउ यू पीपल वुड बी थिंकिंग कि न्यूमिनेटर में ये जो फर्स्ट सॉरी वन है उसमें तो हमने ये सब नहीं किया, किया है। लुक एट दिस, हियर दिस वन इज योर ए, बिकॉज वन स्क्वेयर इज वन, सो वन स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू, ओके नाउ वट, यहाँ पे एक्स ओवर वन, वन ओवर वन, कोई फर्क पड़ा नहीं, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा। लेकिन यहाँ जब हम अप्लाई करेंगे व्हाट वुड दिस बिकम, लेट्स चेक इट आउट। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, अब इसका इंटेग्रल मैं क्या करूँगी? डेफिनेटली मुझे फॉर्मूला आता होगा, इट वुड नॉट बी अ बिग डील फॉर मी, यू नो आई विल थिंक ओके मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो उसका जो डी एक्स होता है वो हमेशा होता है, यू नो, वन डिवाइडेड बाई ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए। सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड योर ए फ्रॉम द क्वेश्चन। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए ना, सो इट मीन्स योर ए इज टू ओवर हियर, सो यू विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला इज वन बाई टू इंटू टेन इनवर्स ऑफ, जो कि वन बाई ए है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए, यानी एक्स डिवाइडेड बाई टू, दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, एक और अगर लिखा हुआ है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइन प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन इसका मतलब है टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला, बट कैसे, लेट्स चेक इट आउट। इज दिस स्क्वायर ऑफ समथिंग? यस। किसका स्क्वायर है ये? थ्री, सो थ्री स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, व्हाट वुड दैट बी? वन बाई थ्री टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई थ्री, क्लियर? कितना मजे का क्वेश्चन है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव समथिंग लाइक, यू नो, सेवनटीन प्लस एक्स स्क्वायर, अब इस पर कैसे, क्योंकि स्क्वायर दोनों चीज़ों के होने चाहिए, सेवनटीन तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। कैन आई राइट इट एज सेवनटीन, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, लिख सकते हैं ना, तो अब मैं इसका रेडिकल निकाल सकती हूँ, वन डिवाइडेड बाई रेडिकल ऑफ सेवनटीन इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई रेडिकल ऑफ सेवनटीन प्लस सी, क्लियर। अच्छा खैर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, तो मुझे था कि मैं समझाऊँ डिटेल में। जल्दी से क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लुक एट द क्वेश्चन। फर्स्टली यू कैन सी द क्वेश्चन इज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को करने की दो तरीके हैं, एक तो आप डिवीजन मेथड भी करते हैं जो हमने पिछले में भी किया था, एक और तरीका है कि आप न्यूमिरेटर में भी वही चीज़ बना दो, जैसे अब ये वाला काम है, इसमें आप न्यूमिरेटर में भी अगर वही चीज़ बना दें जो डिनोमिनेटर में है। कैसे बना सकते हैं? न्यूमिरेटर में आई हैव जस्ट एक्स स्क्वायर, व्हाट इफ मैं प्लस फोर भी करूं और माइनस फोर भी करूं? अब डिनोमिनेटर में आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस फोर या फोर प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, क्लियर। अब मेरे पास लुक एट दिस, व्हाट एम आई गोना डू, आई विल बी स्प्लिटिंग इट अप। स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? इसके नीचे भी डिनोमिनेटर अलग से ले लेंगे और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर अलग से ले लेंगे, सो इट वुड बिकम रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर
माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू डी एक्स. क्लियर? फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर. लुक एट दिस, यहाँ पे भी डी एक्स आएगा, ऑफकोर्स यहाँ पे भी डी एक्स आएगा. ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट टर्म. यू कैन सी एक्स स्क्वायर प्लस फोर कैंसल्ड आउट एंड वी गॉट वन डी एक्स माइनस. वट अबाउट दिस, फोर हम बाहर ले आए बींग कॉन्स्टेंट, और ये डिनोमिनेटर में क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर. अभी हमने इतनी डिटेल में डिस्कस की, इतनी सारी एग्जांपल्स, तो इस पर तो वही अप्लाई हो जाएगा टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला. और यहाँ क्या होगा, वन वुड बिकम एक्स माइनस फोर एज इट इज़. यहाँ पहले आप इसको स्प्लिट करके लिखेंगे, टू स्क्वायर लिखेंगे, और अब मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ, फोर इंटू वन डिवाइडेड बाई टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टू. क्लियर? अब ये टू और ये फोर कैंसिलेशन हो सकती है, बिकॉज टू, ये वाला जो टू है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एंगल, एंगल का पार्ट ये वाला टू है. ठीक है, सो दिस टू वन ज़ा टू टू ज़ा, माई आंसर वुड बी एक्स माइनस टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस सी. दिस इज़ माई आंसर. I hope this is cleared. ठीक है, let me show you the solution over here. ये you can take screenshot. Okay, let's move further. Now these two parts बहुत simple हैं. I would not be doing these by substitution method. मैं इसको directly करूँगी, direct इसलिए करूँगी क्योंकि आप कर चुके हैं, वो method आपके लिए आसान है. Denominator को आप numerator में ले जाएँ, so it would become x square plus 2 बी एक्स प्लस सी. क्यों लेके जा रही हूँ, because it got some power, so it would become minus 2. सॉरी माइनस वन बाई टू इंटू एक्स प्लस बी. अच्छा जी, अब पहले इसको डिस्कस करते हैं. हमने सीखा था, हम देखेंगे कि क्या इसका जो हमारी जो ये इनसाइड टर्म है एफ ऑफ एक्स जो है, क्या इसका डेरिवेटिव कहीं मौजूद है आसपास. लेट्स चेक इट आउट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा. इट्स डेरिवेटिव वुड बी टू एक्स प्लस, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस टू बी एक्स का डेरिवेटिव इज़ टू बी प्लस सी का डेरिवेटिव इज़ जीरो. सो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस होल थिंग, इट इज़ टू एक्स प्लस टू बी प्लस जीरो. सो टू कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, एक्स प्लस बी. ठीक है, व्हाट इज़ इट, आई हैव एक्स प्लस बी बट आई डोंट हैव दिस टू ओवर हियर. सो व्हाट एम आई गोना डू, आई विल बी मल्टीप्लाइंग दिस टर्म विद टू. अब सिर्फ मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, मुझे डिविजन भी करनी पड़ेगी. सो व्हाट वुड वी डू, वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ये मैंने डिवाइड किया और मल्टीप्लीकेशन वाला मुझे कहाँ चाहिए, इसके साथ. सो दैट्स हाउ आई विल बी डूइंग इट, माइनस वन बाई टू इंटू टू टाइम्स एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स. नाउ वाट, नाउ यू कैन सी इजीली दैट ओके, डेरिवेटिव ऑफ दिस जो इनसाइड टर्म है ये मौजूद है यहाँ पे. सो सिंपली बाय यूजिंग योर यू नो सेकेंड रूल, यू विल बी एडिंग वन इन द न्यूमरेटर एंड यू विल बी डिवाइडिंग दिस विद द सेम थिंग. यानी ये बन जाएगा वन डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी होल रेज़ टू द पावर माइनस वन बाई टू में वन प्लस कर लेंगे और माइनस वन बाई टू में वन प्लस कर लेंगे प्लस सी. सिंप्लीफाई कर लें, वी ऑल नो दैट वन बाई माइनस वन बाई टू प्लस सी जो होता है वो होता है वन बाई टू लाइक दिस. और ये डिनोमिनेटर वाला भी वन बाई टू बन जाएगा, तो वन बाई टू ये टू ऊपर जाके कैंसिलेशन हो जाएगी प्लस सी. इन दिस वुड बी योर आंसर. मैंने जल्दी में जानबूझ के किया, यू पीपल नो इट, खुद कर लीजिएगा. लुक एट दिस अगेन, डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम ऊपर ले गए, टैन ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू इंटू, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं वो अगर आसान लगता है तो. ठीक है जी, ओके, ये ज़रा क्विक मेथड है इसलिए आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चंस विद दिस, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, लेट्स चेक इट आउट. जो इनसाइड फंक्शन है टैन एक्स, क्या इसका डेरिवेटिव आसपास मौजूद है? येस, इट्स डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स. सो सिंपली अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड कर लें, tan of x would become tan of x raised to the power minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1 by rule number 2 plus c. ठीक है, सिंप्लीफाई किया, 1 minus 1 by 2 plus 1 होता है 2, सॉरी 1 by 2 और 1 by 2 reciprocate होके 2 बन जाएगा. सो इट वुड बिकम 2 tan inverse of x raised to the power 1 by 2 plus c. दिस वुड बी योर आंसर. ठीक है जी, ये अच्छा जी, लकीली मैंने दिए हुए हैं सोल्यूशंस, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. मैं जूम इन कर देती हूँ, इफ़ यू विल बी नीडिंग इट, वैसे तो खुद करना चाहिए. यस, थैंक गॉड आई जस्ट रिमेंबर्ड. यहाँ पे सी यूज़ हुआ है तो आप सी डैश ऐड कराएंगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएट करने के लिए. नाउ लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट ले लें, डन. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन. आज के सारे क्वेश्चंस बाकी ऐसे छोटे छोटे ही हैं. लेट्स डू दिस वन. कितना आसान सा क्वेश्चन है,
वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर वन ओवर टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखिए टेन इनवर्स ऑफ एक्स का मुझे पता है डेरिवेटिव क्या होता है, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव आसपास मौजूद है। हाउ कैन यू राइट इट एज, इसी तरह का हमने भी आज एक क्वेश्चन और भी किया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाला। हाउ कैन यू राइट इट एज, कैन यू राइट इट एज टेन इनवर्स ऑफ एक्स को अगर आप डिनोमिनेटर में ही रहने दें, यू नो, और वन ओवर एक्स स्क्वायर वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यू नो वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर ये इसी तरह से डिनोमिनेटर भी उसी तरह मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही है ना। सो नाउ व्हाट कैन यू सी, अब इसका वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर है और ये आपके डिनोमिनेटर में मौजूद है जो टर्म, इसका डेरिवेटिव न्यूमिरेटर में मौजूद है। इफ़ इट्स डेरिवेटिव इज प्रेजेंट इन द न्यूमिरेटर, तो हमारा रूल नंबर थ्री क्या था, इफ़ यू रिमेंबर, फॉर एग्जांपल अगर वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स मौजूद है, एक्स का डेरिवेटिव है वन जो कि ऊपर मौजूद है, तो अगर आपको याद हो इंटेग्रल क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, रिमेंबर वही चीज़ आप यहाँ पे भी यूज़ करेंगे रूल नंबर थ्री। यू कैन सी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इट्स डेरिवेटिव इज प्रेजेंट इन द न्यूमिरेटर, सो व्हाट एम आई गोना डू, माई इंटेग्रल वुड बी नेचुरल लॉग ऑफ tan inverse of x plus c. Why? Because its derivative is present in the numerator. Clear? That's it. ये एक solution है आपका. Next question देखिए, this one. Okay, यहाँ पे अब substitution method आपका, sorry, integral is missing. यहाँ पे अब आपका substitution method use होगा कि कैसे substitution करनी है, ठीक है? ये substitution के बगैर नहीं हो सकता. Why not? Because, you know, लुक एट दिस, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा डी थीटा. अब मुझे ये तो पता चल रहा है कि कॉस का जो डेरिवेटिव है इट इज़ साइन, यू नो, माइनस साइन, सॉरी, माइनस साइन. माइनस से तो मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँगी और डिवाइड भी, मतलब माइनस माइनस तो यहाँ पे भी आ सकता है. बट थिंग इज, मैं टी किसको लूँ? क्या मैं वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे को टी लूँगी? नो, बिकॉज क्वेश्चन वरना इंटायरली चेंज हो जाएगा. वट वुड वी डू, वी विल से, ये बड़ा सोच समझ के करना है एंड दिस वुड बी डन थ्रू प्रैक्टिस, यू नो. यू विल बी सेइंग ओके, लेट थी cos theta, only cos theta be t, ठीक है? तो what would be differential of this and differential of this, it would be, ये आपने लिखना है differentiating, take differentials on both sides, so it would be d of cos theta equals to d of t. ये इसका differential क्या बनेगा, cos of theta का differential would be minus sin theta into d theta and this would be dt as it is. Now look at the numerator, क्या ये वही है? माइनस नहीं है, माइनस मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. आई गॉट साइन ऑफ थीटा डी थीटा इक्वल्स टू माइनस डी टी. नाउ व्हाट एम आई गोना डू, आई विल बी रिप्लेसिंग दिस कॉस विद दिस टी एंड दिस साइन थीटा डी थीटा ऑफ न्यूमिरेटर विद माइनस डी टी. लेट्स डू इट ओवर हियर. तो हमारे पास क्या बनेगा, न्यूमिरेटर में हमारे पास बन गया माइनस डी टी एंड लुक एट द डिनोमिनेटर, आई गॉट वन प्लस टी स्क्वेयर. Why t square? Because, you know, cos theta was replaced by t, so it became t square. Because cos square theta was in the question. Can you see this? Ab kya? We all know that dt divided by 1 plus t square, yani 1 plus x square, kiska derivative tha? Sorry, kiska integral kya tha? Tan inverse of x. Hai na? So it would simply be minus tan inverse of t. Kya hum isko aise hi chhod denge? No. We will be replacing this t with its value and what was that, cos of theta. So my answer would ultimately be minus tan inverse of cos of theta plus c, theek hai, minus tan inverse of cos of theta plus c. Let me write it down again for you people. It was this minus d theta, sorry, माइनस डी टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वेयर. तो हमने इसको लिखा माइनस बाहर लेके डी टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वेयर एंड वी ऑल नो दैट इट इज़ टैन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी. अब टी क्या था मेरे पास, कॉज ऑफ थीटा, सो इसको मैं रिप्लेस करने लगी हूँ टैन इनवर्स ऑफ कॉज ऑफ थीटा प्लस सी. दिस इज़ योर आंसर, ठीक है जी. नाउ लेट मी शो यू द सोल्यूशन. अच्छा, मैंने, मेरा ख्याल है इनके भी सॉल्यूशंस ऐड नहीं किए. हाँ, इन टू क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशन ऐड नहीं किए, पीछे जो थे इन दोनों के किए हैं एंड दीज वुड बी लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज, मतलब सॉरी, ऑफ टुडेज लेक्चर. सो लेट्स, नो, दो और भी हैं, सॉरी. अच्छा जी, लेट्स गेट इट डन. कॉज ऑफ टी एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसको कैसे करेंगे? कैन आई राइट दिस एज कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स? अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि यू कैन सी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स,
This is not natural log of x. Oh my god, this is a mistake, man. Let me correct it for you people. Question जो है हमारा बुक का, इट इज़ नॉट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स. ठीक है, नाउ कैन आई राइट इट एज कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स. नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स को मैं नीचे ही रहने दूँ और बाकी जो दो टर्म्स थी ये वाली, इसको मैंने ऐसे लिख दिया. क्या कोई फ़र्क पड़ता है? ऑफ कोर्स नहीं पड़ता, बिकॉज इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो डिनोमिनेटर पे चला जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स चेक इट आउट कि क्या इस टर्म का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद है. अगर तो होगा तो नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बन जाएगा, है ना. इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो. लेट्स चेक इट आउट. व्हाट एम आई गोना डू? आई एम गोइंग टू चेक इट्स डेरिवेटिव. सो लेट्स चेक आउट कि नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है. इसका जब डेरिवेटिव लेंगे इट वुड बी वन ओवर साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, इट वुड बी कॉस ऑफ एक्स. ठीक है, तो क्या इंटू डी एक्स. तो क्या मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद है? यस. अब सिंपली आपका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? इट वुड बी नेचुरल लॉग ऑफ आपका डिनोमिनेटर, वो क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी. दिस वुड बी योर आंसर. क्लियर? लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलमोस्ट वैसा ही है. इसमें नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स न्यूमिनेटर में गिवन है. लेट अस राइट इट एज नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स न्यूमिनेटर में गिवन है इनटू कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, नाउ व्हाट? क्या इसका डेरिवेटिव आसपास में कहीं मौजूद है? अभी अभी हमने चेक किया, इट वॉज कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई नेचुरल साइन ऑफ एक्स मौजूद है फिर. तो अब क्या होगा इसका अगर डेरिवेटिव साथ में मौजूद है? तो बाई यूजिंग फर्स्ट रूल इसकी जो पावर है जो कि वन है, उसमें वी विल बी एडिंग वन होल रेज टू द पावर वन प्लस वन और उसी से हम डिवाइड करेंगे. सो इट वुड बिकम नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी. क्लियर? दैट वुड बी माई आंसर. लेट मी शो यू द सोल्यूशंस. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15. टेक द स्क्रीन शॉट. And this is your question number 16. You can take the screenshot. 15 substitution method से हुआ हुआ, ये नहीं हुआ हुआ, तो आपकी मर्जी, आप दोनों मैथड से कोई भी यूज़ कर सकते हो. ओके, वाओ, दैट्स इट. सो हियर इज़ द यू नो असाइनमेंट विच पीपल हैव टू डू एंड यू हैव टू सेंड मी वेल इन टाइम. ठीक है जी. ओके जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. इफ देयर इज स्टिल एनी एम्बिगुइटी डू आस्क मी. थैंक यू.